अगर आप भी मेरे बालों की तरह पाना चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा चमकदार, बहुत ही ज़्यादा सिल्की शाइनी लंबा काला घना बाल, तो दोस्तों आज का ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करिएगा। बालों का टूटना झड़ना रुक जाएगा, बाल जड़ों से मजबूत होंगे, गंजेपन की शिकायत भी दूर होगी। दोस्तों तो क्या करना है, आपको लेना है प्याज के छिलके, जिसको कि अक्सर आप फेंक देते हैं, जिसका कोई भी यूज़ नहीं होता है, जिसके लिए यूज़ नहीं पता है उसके लिए इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन दोस्तों इसके अनेकों फ़ायदे होते हैं। हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, बालों में बहुत ही अच्छा कलर ऐड करता है, बालों को सिल्की शाइनी बनाता है, बालों को स्ट्रांग बनाता है, जड़ों को मजबूत बनाता है, हेयर फॉल्स की समस्या है उसको ख़त्म करता है दोस्तों। तो प्याज के छिलकों को कभी भी आप फेंकें नहीं, उसका यूज़ करें अपने बालों के लिए। तो एक बर्तन में आपको कम से कम 1 से 2 कटोरी भर करके जो है आपको ऐड करना है प्याज के छिलके, जब भी आप प्याज पील करते उसको रख ले और इस तरह के में यूज करें। अगली सामग्री आप ले सकते हैं, ये हमारा है अलसी के बीज, इसको तीसी बोलते हैं, फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, मेडिकल बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों, हमारे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये दूर करता है, स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, बालों को बहुत ही बढ़िया कैरेटिन ट्रीटमेंट जैसा अगर इसका जेल आप बना करके बालों पर लगाते हो तो एकदम से वैसा बना देता है, और उसके साथ साथ हमारे हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है, गंजेपन की शिकायत को खत्म करता है। तो 2 से 3 चम्मच यहाँ पर आपको जो ले लेना है तीसी यानी अलसी के बीज। अगली सामग्री आपको इसमें पानी ऐड करना है, जो कि 1.5 ग्लास या 1 ग्लास आप अपने ग्लास के हिसाब से मेजरमेंट करके 1 ग्लास 1.5 ग्लास पानी ऐड कर सकते हैं। अगली सामग्री आपको लेना है चाय का पत्ती। दोस्तों चाय के पत्ती के बहुत सारे इंटरनेट पे वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि चाय पत्ती का DIY हमारे बालों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, और सच में फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। चाय पत्ती में भी एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल कलर होता है जो हमारे बालों में कलर ऐड करता है और सफ़ेद हो रहे बालों को भी कवर करता है, बहुत ही अच्छा हमारे बालों में कलर प्रदान करता है और बालों में जो है खोई हुई चमक है उसको ले के आता है, बाल को बेहद सिल्की शाइनी प्रदान करता है, बालों को जड़ों को मजबूत करता है, स्ट्रांग करता है। इसके और भी बहुत सारे घरेलू नुस्खे होते हैं चाय पीने के अलावा भी, तो आपको यहाँ पे कम से कम 2 चम्मच से 1.5 चम्मच आपको चाय का पत्ती जो है इसके अंदर ऐड कर देना है दोस्तों। और फिर उसके बाद अगली सामग्री आपको लेनी है, ये है हमारा कलौंजी, जिसको कि हम मंगरेला भी बोलते हैं दोस्तों, इसको अक्सर लोग ब्लैक क्यूमिन सीड्स या फिर अनियन सीड्स बोलते हैं। इसके भी अनेकों फ़ायदे होते हैं हमारे बालों के लिए, और कहा जाता है गंजे सर पे भी बाल उगाता है, ये बालों को नेचुरली डाई करता है, कलर ऐड करता है दोस्तों। इसके नेचुरल डाई के भी बहुत सारे वीडियोज़ इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं कि इसकी मदद से आप अपने सफ़ेद हो रहे बालों को कैसे कवर कर सकते हैं, तो हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स को भी ये रोकता है, गंजे सर पर बाल उगाता है, बालों को नेचुरली कलर करता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स होने के बाद आपको इसको यूज़ करना चाहिए, आपके बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है चीज़। जितनी भी चीज़ें मैंने ऐड की, हमारे बालों में कलर ऐड करता है, बालों को नेचुरली डाई करने का काम करता है और हमारे बालों की टूटने झड़ने की समस्याओं को ऐड करता है, जड़ों को मजबूत करता है। तो 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर आपको कलौंजी ले लेना है, और फिर दोस्तों इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से कम 10 से 12 मिनट तक अच्छे से उबालना है, बहुत ही अच्छे से। इसका देखिएगा कुछ देर में बहुत ही बढ़िया इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो उतना देर तक इसको आपको अच्छे से उबालना है, बॉईल करना है, बहुत ही बढ़िया। जब इसका कलर आ जाएगा तब आपको इसको क्या करना है, अच्छे से छान लेना है। तो बहुत ही अच्छे से इसको धीमे आंच पे बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बॉईल होने के बाद को छोड़ देना है। देखिए क्या मस्त कलर आया है ना, यही कलर हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। जब ये बहुत ही अच्छे से उबल जाएगा, उबलने के बाद इसको अच्छे से ठंडा कर ले, ठंडा होने के लिए एज इट इज उसमें बर्तन में रख दे, उसके बाद इसको आप छान सकते हैं। छानने के बाद देखिएगा इतना नेचुरल कलर आता है, यही कलर हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इस वाले पानी को अगर आप जो है शैम्पू के बाद भी यूज़ कर सकते हैं अपने बालों को रिंज करने में, एज ए सीरम भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसा कि मैं आज इस वीडियो में बता रही हूँ वैसा भी यूज़ कर सकते हैं। छानने के बाद इसमें आपको ऐड करना है शैम्पू, तो कोई भी शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिया है न्यूट का कोट मिल्क शैम्पू, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रीमियम शैम्पू होता है और काफ़ी अच्छा होता है हमारे बालों के लिए दोस्तों, इसको यूज़ ज़रूर करें। तो मैं मेरे बालों के लिए 2 से 3 चम्मच इसमें डाल दूँगी, और फिर इसके बाद काफ़ी अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों बहुत ही बढ़िया सा शैम्पू रेडी हो जाएगा आपके बालों को वॉश करने के लिए। तो बस इतना ही आपको अच्छे से इसको मिक्स करना है दोस्तों, और फिर उसके बाद क्या करना है, इसको आपको अपने बालों को शैम्पू करना है। तो वीक में आप इस प्रोसेस को 2 बार कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो 2 बार ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको, बहुत ही ज़्यादा कंजूसी नहीं करना है, 2 बार ज़रूर करें अपने बालों को शैम्पू। और शैम्पू करने के दौरान आपको ध्यान रखना है कि जब शैम्पू कर रहे होते हैं तो तुरंत ही अपने बालों को रिंज ना करें, कम से कम अपने बालों में इसको लगा करके 10 मिनट ज़रूर छोड़ें, और छोड़ने के बाद इसको नॉर्मल जो भी आप
पानी से, नॉर्मल वाटर से इसको रिंज कर सकते हैं दोस्तों। तो रिंज करने के बाद आपको इसको अच्छे से सुखा लेना है। सुखाने के बाद अगर आपके पास कोई भी सीरम है, नहीं है, तब घर में बना करके अपने बालों पे लगा सकते हैं। इस तरीके का सीरम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। मेरे बालों का भी सीक्रेट यही है दोस्तों, हमेशा मैं घरेलू नुस्खा यूज़ करती रहती हूँ। कलौंजी, मेथी, प्याज, प्याज के छिलके, ये सभी चीज़ें मैं मेरे बालों पे यूज़ करती रहती हूँ और इससे मेरे बालों की कोई भी चमक भी वापस आती है, बालों का टूटना झड़ना रुक जाता है, बाल नेचुरली कलरफुल दिखते हैं और बहुत ही बढ़िया सा शाइन ऐड होता है दोस्तों। आप भी ट्राई कीजिए, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और दोस्तों आप भी ऐसे वीडियोज़ मेरे चैनल पर और भी देखना चाहते हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शॉर्ट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे वीडियोस मेरे आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लंबी वीडियोस पसंद नहीं है तो शॉर्ट्स से वीडियो का शॉर्ट्स भी आता है, वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। इस चैनल पे भी शॉर्ट्स है, यहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।